विलोपन विधि, इसे इलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं, इसमें इलिमिनेट करते हैं, इलिमिनेशन मेथड। यहाँ से यहाँ पे मेथड है METHOD मेथड है। मेथड सेकेंड जो है किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, विलोपन विधि। जैसे मान लीजिए कि 9x-4y = 20, 7x-3y = 9, ये इक्वेशन 1 और 2 है, इसको हमें सॉल्व करना। इसमें इन ध्यान देते हैं कि यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट 7 है, 7 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में कर देते हैं, और x का कोएफिशिएंट 9 है तो इसका मल्टीप्लाई समीकरण 2 में कर देते हैं, यानी कि अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस 7 का जो मल्टीप्लाई होगा इस पूरे इक्वेशन में होगा, ठीक, और जो 9 का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे इक्वेशन में होगा। तो 7 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 9 × 7 = 63, ठीक है, 7 × 4 = 28, और यहाँ पे 7 × 9 = 140। 140 ये नया इक्वेशन बन गया, इसको हमने इक्वेशन 3 दे दिया। और इसमें जब 9 का मल्टीप्लाई किए इस पूरे इक्वेशन 2 में, 9 × 7 = 63, 9 × 3 = 27, 9 × 9 = 81, ठीक है। तो यहाँ पे 63x-27y ये हो गया इक्वेशन। अब ये जो है इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 3 और 4 बन गया। अब इससे हम क्या करेंगे कि सिंपली इसको घटा लेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को घटाने। तो घटाने का मतलब है कि यहाँ पे नीचे साइन बदल देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है, कोई भी नंबर के बगल में कुछ नहीं लिखा है तो प्लस होता है, तो प्लस है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, ठीक है। ये 63 + x हुआ, ये -63 कट जाएगा। यहाँ पे -28y और +27y, यानी कि -28y +27y, और यहाँ पे 140 - 181, ये घटाने का तरीका है। तो यहाँ से -28y इसको घटा देंगे तो -y, और यहाँ से घटा देंगे 59, तो y की वैल्यू जो है माइनस की मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो 59 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि में करते हैं। इसमें x पहले हमें दिमाग में बैठाना है कि x वाला टर्म गायब करना है। x वाला टर्म कैसे गायब होगा कि इसके कोफिशियंट, यानी कि जो इसका गुणांक है x के, उसके अपोजिट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि x का कोफिशियंट 7 है तो इसके इक्वेशन 1 में, और x का जो गुणांक 9 है, कोफिशियंट 9 है, तो उसका एक मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में पूरे जगह। तो यहाँ से y की वैल्यू जो है -59 मिली। तो y का मान जो है, अगर एक चाहे x चाहे y का अगर वैल्यू निकल गया है, तो आप इक्वेशन 1 में 2 में 3 में 4 में, इन चारों ही इक्वेशन में से अगर किसी भी इक्वेशन में रख देंगे x की वैल्यू, y की वैल्यू, तो आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हम सिंपली जो इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल इक्वेशन था हमारा, ओरिजिनल इक्वेशन हमारा ये था। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है, 9x-4y = 20 में रख देते हैं y की वैल्यू। तो 9x-4y की वैल्यू जो -59 = 20, -- मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 236, ठीक है। तो 9x 20 - बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 20 - 236 घटा देंगे -216, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो -24 है। तो यह x की वैल्यू जो है -24 और y की वैल्यू जो है -59। आप यहाँ पे रख के देख भी सकते हैं कि x और y की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 को और 2 को, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। आप खुद से करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड = right hand side बराबर आना चाहिए। तो ये हुआ विलोपन विधि। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर हो जाए विलोपन विधि। ये तीनों ही मेथड जो है हमें आना चाहिए, इन तीनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा आता है, बोर्ड के भी एग्ज़ाम में। आइए क्वेश्चन हम करते हैं, 3x + 4y = 10, एक इक्वेशन ये, 2x - 2y = 2, एक इक्वेशन ये, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। तो x और y की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो अगर इसे हम विलोपन विधि द्वारा ही सॉल्व करेंगे, इलिमिनेशन मेथड, ठीक है, किस फिर से वही काम, x का कोएफिशिएंट 2 है, यानी कि x का गुणांक 2 है, तो इसमें इक्वेशन 2 में
वन में है टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे एक्स का जो गुणांक थ्री है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, यहाँ पे भी होगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि टू का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं और यहाँ नहीं करते हैं, पूरे इक्वेशन में होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड, यानी कि सिक्स एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स एक्स तीन गुणा के छः और तीन गुणा के छः, ठीक है। अब देखिए आप घटा देंगे, यानी कि इक्वेशन थ्री को इक्वेशन फोर से घटा देंगे। यहाँ पे हो रहा है समीकरण थ्री माइनस समीकरण जो है फोर, यानी कि इक्वेशन थ्री माइनस थ्री को फोर से घटा रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि नीचे का साइन बदल देते हैं, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। ये माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस सिक्स माइनस कट गया, एट वाई प्लस, अब इस नीचे वाले सीन की बात होगी, ये प्लस माना जाएगा, यानी कि एट वाई प्लस सिक्स वाई फोर्टीन वाई, ट्वेंटी माइनस सिक्स घटा देंगे तो ट्वेंटी माइनस सिक्स घटेगा तो फोर्टीन, ठीक। तो यहाँ से y की वैल्यू जो है 14 मल्टीपाई, तो इधर जाएगा डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो आप इक्वेशन यहाँ पे देखिए, चार इक्वेशन है 1 2 3 4, तो y की वैल्यू जो है चाहे आप इक्वेशन 1 में 2 में 3 में चाहे 4 किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इन चारों इक्वेशन में कहीं से भी रख देंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा यूनिक होगी। ये नहीं कि इक्वेशन में 1 में रखें तो x की वैल्यू कुछ और आएगी, टू में रखेंगे कुछ और, थ्री में रखेंगे कुछ और, फोर में रखेंगे कुछ और, आप चाहे जिस भी इक्वेशन में रखेंगे एक्स की वैल्यू सेम आएगी। तो वाई का मान समीकरण एक में ही रखेंगे तो थ्री एक्स प्लस फोर वाई था, तो फोर वाई की वैल्यू 1 10, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड था किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, विलोपन विधि। अब नेक्स्ट मेथड हम सीखेंगे जो तीसरा मेथड और तीसरा और आखिरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्रखंड विधि। और ये तीनों ही मेथड हमें आनी चाहिए इस पूरे चैप्टर में, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है, इस पूरे ही चैप्टर में यही तीनों मेथड है जो हमें सीखने हैं, और क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट मेथड हम सीखते हैं वज्रखंड विधि।